हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी हूँ मैं अपने गांव में, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। देख रहे कितना अच्छा शानदार का यहाँ का मज़ा ही कुछ और होता है। क्या बोलते हैं, एकदम खुली वातावरण में एक अच्छा आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, बट ये रोड है ना थोड़ा सा ज़्यादा चलती है, तो चलती यही नहीं, यानी कि गाड़ी बहुत चलती है, तो इसे थोड़ा बच के यहाँ पर किस तरह कुहरा जमी हुई है। बोलते हैं ना ट्रैप हो गया एक तरह का, उधर से कौन गाड़ी आ रहा है क्या आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इसी के दौरान ना एक्सीडेंट होती है, तो एक्चुअली पता नहीं चलता है ना आगे कौन है नहीं है, उसका हेडलाइट जो चलता है उसी से पता चलता है। दो मिनट में भी गाड़ी उड़ी आएगी और उसी में घूर रहे हैं। अब बहुत ठंड है गांव में, लेकिन देख रहे हैं स्वेटर जैकेट टॉपी और इधर शूज़ भी पहनना पड़ रहा है। इधर शूज़ का कोई उपाय नहीं है, अभी गांव के अंदर विंटर हो चुके हैं। तो चलिए तो आ रहा है, इसमें गाड़ी चलती है पता ही नहीं चल रहा गाड़ी आ रहा है कि नहीं। इस तरह का कोहरा इधर है, पता नहीं मोबाइल में इतना क्लियर कैसे दिख रहा है। एक्चुअली जब दिखाता है हम देख रहे हैं कोहरा पूरा, क्या बोलते हैं उसको, एक लेयर जैसा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आगे कौन है पीछे कौन है इस तरह का। और अभी हम पहुंच चुके हैं मॉर्निंग वॉक करते करते 4 किलोमीटर, ये सोनौली है शौरिया से 4 किलोमीटर दूर सोनौली का ये बॉर्डर लिखा हुआ है। और एक अंकल आ रहे हैं उधर से, अंकल ने दादाजी बोल सकते हैं, जा रहे खेत की ओर। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है 6 बजे, 6 बज चुका है। और ये दादाजी पीठ पर लिए कुल्हाड़ी, क्या कुल्हाड़ी नहीं वो बोलते हैं, पता नहीं यार नाम भी भूल गया, तो ली चले चल दिए खेत की ओर। और शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, सोए रहते 10 बजे 9 बजे जितना बजे टाइम तक रहता है, लेकिन यहाँ पर काम करते हैं भाई। अगर आप विलेजर हैं, अगर विलेज में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, थोड़ा सा बच कर रहना पड़ेगा। इस तरह का रोड मिलता है, इससे अगर 4 व्हीलर चलता है, ट्रक चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, थोड़ा सा रोड के दौरान आप ट्रैवल करते हैं रोड, अगर वो में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ईयरफोन ना लगाएं, अन्यथा आपको कोई भी घटना घट सकती है। जैसे अभी मैं तुरंत बचा, भी मैं कान में ईयरफोन लगा हुआ है इधर, और हमको पता ही नहीं चला पीछे से गाड़ी आ रही है, तो मैं ये कच्ची सड़क पर उतर गया और फाइनली मैं पहुंच गया हूं एक पूल के पास जो घर से 4 किलोमीटर दूर है। अभी आपको दिखाऊंगा सन, यहां पर बहुत अच्छी सनराइज़ होती है, बट अभी कुहरा के टाइम की वजह से अभी दिख नहीं रही है सन, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखें तो एक जैसा लगता है कोई लाइट जल रही है उधर, चल देख रहे हैं, देखना अब देख पा रहे होंगे शायद, मेरे उम्मीद से देख रहे हैं। यह होती है सनराइज़, यहाँ से बहुत बेहतरीन खूबसूरत व्यू होती है, गांव का एक नया लुक बोलते ना वैसे दिखता है भाई। देखिए थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा हो सके मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जूम करूं तो आपको बेहतर देख रहे हैं कैसे क्लियर, बट कुहरा ही कुहरा है पूरा। और इस कुहरे में खास करके बहुत एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है 99%, और अगर इसलिए इसमें आपको संभल कर और सतर्क होकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर किस तरह कुहरा जमी है देख रहे हैं, यह सन का व्यू जो पूरब से उगती है और पश्चिम में जाके डूबती है। इधर आपको चांद भी दिख रहा होगा एकदम छोटा सा, देख रहे हैं ये चांद है, आधा हाफ कटा हुआ छोटा सा चांद देख रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, और दिखाएंगे आपको वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, वीडियो तो बने रहने के लिए।